तो माहिरा खान की कोई सीरीज़ आने वाली है रज़िया नाम से। रज़िया कौन है, क्या कैरेक्टर है, क्या है माहिरा खान, बड़ा नाम आने वाली हैं रज़िया लेकर, कोई सीरीज़ है शायद। तो मेरा नाम है तस्खीर और मैं रिएक्शन करने वाला हूँ रज़िया के ट्रेलर पर। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, प्यारी दोस्तों, माओ, बहनों, बहनों को ताड़ते, राल टपकाते, कंधा मारते, हरास करते, भाई, आप सब मेरा सलाम। अरे यार, यहाँ से लग रहा है लड़कों से नफरत वाला सीन है कुछ। आपने घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना ही मेरी कहानी में है कोई जालिम सास, ना ही कुवारी साली को है अमीर बहनोई की प्यास, ना रेप के नाम पे कोई सेंसेशन, ना दो बीवियों के बीच फंसे मर्द की फ्रस्ट्रेशन, ना ही मोहब्बत के नाम पे टॉक्सिक हीरो को ग्लोरीफाई करूंगी, ना मजलूम बनी हीरोइन की हाय हाय करूंगी। तुम्हारी कहानी में है क्या बेटा? है क्या यार? बाहर बहुत अजीब और गंदे लोग होते हैं, जिनसे लड़कियों को बचाना होता है। मुझे उसकी आमोशी से ना अब डर लगने लगा है। रिश्ता विश्ता ढूंढो, उसकी बात चलाओ भाई। कौन था वो? भाई और बाप की इज्जत का जनाजा निकाल रही है। तू ठहर जा। ये है घर रज़िया सलीम का, जिन्होंने इंटरमीडिएट के रिजल्ट में पहली पोजीशन ली है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बहन की कामयाबी पर? हमें तरक्की करनी है तो फिर बेटियों को तो पढ़ाना होगा। बदल गए, कहाँ मार रहे थे और बदल गए। अच्छा, ये है टॉपिक इसका। अब्बा, लगता है फिर गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, इसको आप होटल भेज के ना चाय मंगवा दे। अरे गैस ही नहीं आ रही, इसको मारने का उम्मीद है, ग्रीड है, इंटेंस है, शदीद है। मुझसे कोई उम्मीद मत बांधना कि मैं तुम्हें और इस बोझ को यहाँ पालूंगा, मुझे बेटा चाहिए। नहीं, खुद क्या उखाड़ लिया तुमने जिंदगी में, जिसकी लेगेसी में बेटा चाहिए। उठ बांध कमर, कैसा है डर, हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर, क्यों है कैद हंसी पिंजरे में, ना शहजादे का इंतजार कर, ना शहजादे का इंतजार कर, ना शहजादे का। तो बन जाइए मेरी कहानी का हिस्सा, शुरू करते हैं रज़िया का। वेरी मच। ये मुर्गी की टांग में ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी जरूरत सिर्फ लड़कों को है? वेरी मच इंटरेस्टिंग यार, बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर था यार। ये कहानी मुझे समझ में आ गई है, वो कहानी एक मर्द क्या करता है, मतलब एक आई थिंक ये रिलेटेड टू कुछ उससे है जो कहते हैं कि समाज हमारा, सोसाइटी जिसके अंदर कुछ ऐसे लोग रहते हैं, कुछ मर्द रहते हैं कि मारते पीटते हैं लड़कियों को, उन पर दबाव डालते हैं, तू ये नहीं करेगी, तू वो नहीं करेगी, और जब वो कामयाब होती है कहीं से उसको मारने की भी कोशिश दिखाते हैं इसमें यार। सिलेंडर विलेंडर में आग लगाना, गैस, वो सीन बन रहा था जो, तो जब वो कामयाब हो जाती है तो पलट जाते हैं, मतलब वो दोगलापन भी दिखाया गया है कि पलट जाओ कि यार हाँ उसने तो टॉप कर लिया मेरी लड़की ने, मेरी बहन ने इस सीन से। लेकिन वो लड़की को नफरत हो जाती है उन मर्दों से, छूना, गलत तरह से देखना, हैरेस करना, ये सारी कहानी। लेकिन सबसे बड़ी पार्ट था कि माहिरा खान की आवाज़ चल रही थी, वो कहानी नरेट कर रही थी पीछे से, और वो लड़की कोई और थी। आइए, रज़िया कैरेक्टर किसका है, कौन निभाएगा पूरा, बड़े हो जाएगी लड़की तो वो माहिरा बनेगी, सो ये सीन तो देखकर पता चलेगा। लेकिन जो भी आ, शुरू से एंड तक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, एंड कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक लड़की की कहानी है, माँ बाप से, भाई बहन से, अपने खुलकर कुछ कर नहीं पाती है और मारपीट भी उसको झेलना पड़ती है, अपने ख्वाब साइड में करने पड़ते हैं। सो देखेंगे क्या पॉजिटिविटी है इसके अंदर, क्या नेगेटिविटी है, आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत सही लग रहा है ट्रेलर इसका, कुछ एक सोशल इशू को उठाया गया है इसके अंदर, एक सच्चाई को उठाया गया है, इशू तो नहीं कह सकते लेकिन सच्चाई को उठाया गया है कि ऐसा होता है
घर घर की कहानी है, ज़्यादातर घरों की कहानी हो सकती है ये। क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय।